एमपी के सिंगरौली जिले में सीमावर्ती उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से हो रहे डीजल के अवैध क्रय विक्रय को रोकने को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लामबंद होते हुए सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। प्रेस वार्ता के दौरान एसोसिएशन के संरक्षक अरविंद सिंह चंदेल ने बताया कि मोरवा बैठन एवं विंध्यनगर सीमा से उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम छोटे टैंकर एवं ड्रमों में भरकर भारी पैमाने पर डीजल का अवैध परिवहन किया जा रहा है, जो कि स्थानीय ट्रांसपोर्टर क्रशर प्लांट कोयता रेत परिवहन में लगे व्यवसायी द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय पेट्रोल पंप संचालकों को तो भारी नुकसान उठाना ही पड़ रहा है, साथ ही मध्य प्रदेश शासन को भी 6 करोड़ से अधिक का राजस्व का नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन के पदाधिकारी पुष्पराज सिंह, मिथिलेश सिंह, विजय सहित अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि सीमा पर जिला प्रशासन द्वारा छानबीन कर अवैध परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोनों राज्यों के बीच डीजल के रेट में समानता लाने की मांग करते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती है तो एसोसिएशन पेट्रोल पंप बंद कर हड़ताल के लिए बाध्य होगा। संवाददाता उपेंद्र दुबे, वीएसआरएस न्यूज, सिंगरौली, मध्य प्रदेश।